नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ 2019 के अंदर एक टूल के बारे में बताऊंगा जो नया, बिल्कुल नया टूल है। और वो टूल का नाम है, यहाँ आप देख सकते हैं, वो टूल का नाम है इम्पैक्ट टूल। इस टूल के माध्यम से आप इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट आप बना सकते हैं। और ये इम्पैक्ट टूल, ये मैं आपको कोरल ड्रॉ 2019 के अंदर बताऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप, ये इम्पैक्ट टूल के माध्यम से मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। कैसे बनाया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, कोरल ड्रॉ को ओपन करना है, नया पेज लेना है। तो नॉर्मल सा आप चाहे चौड़ा पेज लें चाहे लंबा पेज लें, कोई सभी पेज आप ले सकते हैं, पोर्ट्रेट होल ले सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से लैंडस्केप भी ले सकता हूँ, पेज का लैंडस्केप पेज आ गया। अब दिखाता हूँ कि इम्पैक्ट टूल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। यहाँ देखिए टूल बॉक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ टेक्स्ट टूल है, ठीक इसके ऊपर जिस जगह पर आपका ये कॉमन शेप्स वाला टूल रहता है, इसका एक छोटा सा कॉर्नर पोर्शन में आपको यहाँ पे एक छोटा सा फ्लाई आउट बटन दिखाई देगा, छोटा सा रेक्टेंगल नुमा एरो नुमा दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ देखिए इम्पैक्ट टूल, यहाँ पे इम्पैक्ट टूल दिख रहा है आपको, इम्पैक्ट टूल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इम्पैक्ट टूल पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर इम्पैक्ट टूल का प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो करेगा। देखिएगा ये मेनू बार है, ठीक नीचे आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक उसके नीचे आपका ये प्रॉपर्टी बार है, जिसमें जो भी टूल हम लोग क्लिक करते हैं एक्टिवेट होता है उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो करता है। अब जो स्मार्ट इम्पैक्ट टूल का जो ये प्रॉपर्टी बार है यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स है जिसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक है पैरेलल दूसरा है रेडियल। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल को देखते हैं, तो पैरेलल को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद नॉर्मली क्या करेंगे, अपने पेज में या पेज का बार कहीं भी आप पहले बना लीजिए, इस तरह आपको ड्रैग करना होगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स इस तरह आपको बनाना होगा। जैसे इस तरह का बॉक्स आप बना लेंगे तो आपको देखिएगा हल्का हल्का आपको धारी धारी लाइन इस तरह फिल दिखाई देगा, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ देखिए पेन टूल का यहाँ पे आपको यहाँ थिकनेस बढ़ाने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया है, लाइन विड्थ दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से वो बढ़ता है। देखिए मैं जितना क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से देखिए बढ़ेगा, देखिए ये देखिए बढ़ रहा, देख सकते हैं ये बढ़ रहा। उसके बाद आप यहाँ से और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है लाइन स्टाइल, जैसा आपको लाइन स्टाइल लेना है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला क्लिक करेंगे तो इस तरह दिखेगा, ज़्यादा डीप गाढ़ा हो गया तो पतला वाला आप चूज कर सकते हैं, ये वाला चूज कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन नुमा है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, देखिए इस तरह दिखेगा, जैसा आपको करना है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको कलर भी कर सकते हैं, कलर करने के लिए अगर मैं इसको कलर पैलेट में जाकर अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, देखिए इस तरह कलर इसको दिखेगा लाल कलर, अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह का फिल कलर दिखेगा आपको। तो इस तरह आप सेप बना सकते हैं इसको, आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको पिक टूल पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, ये देखिए इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब सवाल आता है इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह देना है हमें इसके साथ, और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसके साथ आप इस तरह का शेप वगैरह पुट करके इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए नॉर्मल से पहले अगर ये वाला, अगर ये आपका इंसर्ट कैरेक्टर्स है अलग अलग, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं नॉर्मल से आपको एक शेप लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाते हैं इसमें, ये जिस जगह इम्पैक्ट टूल है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉमन शेप्स है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कॉमन शेप का ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप्स यहाँ पे आपको, ये जो बटन दिया हुआ है इस परफेक्ट शेप, इसमें क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा यहाँ पे शेप दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल एक हार्ट का शेप है यहाँ पे, ये लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इस तरह हम लोग एक हार्ट इस पे बना देते हैं, देखिए मैंने एक हार्ट बना दिया इसके ऊपर। आप चाहे तो इस हार्ट को कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप लेफ्ट क्लिक कर दें इसका अंदर कलर हो जाएगा, ये देखिए हार्ट का शेप यहाँ पे बन गया। अब पिक टूल पे क्लिक करते हैं, इस हार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे सजा देते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा किया जिससे कि आप समझ पाएं। इसलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए अब जो है ये हार्ट टूल आपको सिलेक्टेड है, लेकिन हमें क्या क्या इम्पैक्ट टूल को, ये जो पीछे जो बना हुआ है इम्पैक्ट टूल से बनाया हुआ है, अब इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इम्पैक्ट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए मैं क्लिक कर दिया, इम्पैक्ट टूल एक्टिवेट हो गया और ऊपर उसका प्रॉपर्टी आ जाएगा। देखिए अगर मैं हार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से अगर मैं हार्ट पे क्लिक करूंगा तो हार्ट का ये पिक टूल से मैं क्लिक करता हूँ हार्ट के ऊपर, तो देखिए हार्ट टूल का प्रॉपर्टी बार शो करेगा, लेकिन पीछे जो मैंने इम्पैक्ट टूल से बनाया है उस पर अगर क्लिक करता हूँ तो इम्पैक्ट टूल का प्रॉपर्टी बार शो करेगा। यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेगा पैरेलल के ठीक बगल में, एक इनर बाउंड्री है, एक देखिए आउटर बाउंड्री है। अब दोनों का अलग अलग
कमाल है, अलग अलग इस्तेमाल है। जैसे यहाँ पे आउटर बाउंड्री करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू सेव द आउटर एजेस कॉन्स्ट्रेन द इफेक्ट इन साइड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इस पर अगर क्लिक करते हैं हम लोग आउटर ऑब्जेक्ट पे, तो इस पर अगर क्लिक करने के बाद देखिएगा आप एक एरो हल्का सा थोड़ा सा आपको एक एरो दिखाई देगा, छोटा सा एरो नुमा हल्का टर्न किया हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना, सिंपली आपको हार्ट का शेप पे क्लिक कर देना। काट करने के बाद आपका जो वहां पे ये वाला चूज करने के बाद रिमूव आउटर बाउंड्री, तो जो बाहर का बाउंड्री था वो रिमूव कर दिया। अब देखिए वो लाइन कहाँ चला गया वो भी है, इसको बाहर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हटाएंगे थोड़ा सा, इसको मूव करेंगे तो देखिए हार्ट नुमा शेप इस तरह बन गया, देख सकते हैं। ये देखिए पीछे देखिए हार्ट का, ये इसका यही कमाल है, जो जो है आउटर बाउंड्री हटा देगा और अंदर वाला शेप रख देगा। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा यहाँ पे हार्ट बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे ये हार्ट बन के तैयार हो गया। अब दूसरा भी ऑप्शन है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल इस हार्ट को हम लोग उठा के दूसरी जगह थोड़ा सा रख देते हैं, ये मैंने रख दिया, हार्ट को भी यहाँ पे रख देते हैं। अब दिखाता हूँ इसी का आपका इम्पैक्ट टूल का, और भी देखिए और भी ऑप्शन है। यहाँ पे इम्पैक्ट टूल पे क्लिक करते हैं हम लोग। क्लिक करने के बाद जैसे इम्पैक्ट टूल पे क्लिक करेंगे, उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पैरेलल है, पैरेलल का जो बॉक्स है उसके डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। अब है रेडियल, है रेडियल मतलब राउंड शेप बनेगा, रेडियल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नॉर्मली आप इस तरह एक सर्कल इस तरह बना लीजिए, ये देखिए मैंने एक सर्कल बना दिया। अब देखिए इम्पैक्ट टूल से देखिए इस तरह का धारी धारी इस तरह का इफेक्ट, जो भगवान वगैरह देखिएगा मूर्ति उर्ति रहता है उसके पीछे में देखिएगा लाइट, इस तरह इफेक्ट आपको पीछे मिलता है, इससे आसानी से आप बना सकते हैं। अब इसको थिकनेस वगैरह आप चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये देखिए मैं थिकनेस इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से थिकनेस इसका बढ़ा दिया, यहाँ से क्लिक कीजिएगा बढ़ जाएगा। इसको कलर करना है तो आप यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, देखिए लेफ्ट क्लिक हो गया, राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक हो जाएगा, इसका आउटलाइन भी कलर हो जाएगा। ये मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह का इफेक्ट बन गया। अब यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप इसको रोटेट वगैरह और भी जो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, अगर इस तरह क्लिक करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। बनने के बाद आपको जो काम करना है, अब मान लेते हैं इसमें अगर हम लोग ये सब अगर ऐड करते हैं, ये अलग अलग देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ साइन ये कैसे आता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कैसे आएगा, ये अलग अलग इंसर्ट कैरेक्टर अगर नहीं है तो ये कैसे लाएंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो वो वाला इस तरह का कैरेक्टर लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो मेनू बार आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये टेक्स्ट मेनू पे क्लिक कीजिएगा और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे इंसर्ट कैरेक्टर का ऑप्शन यहाँ पे ग्लिप्स बोल के जी ग्लिप्स GLYPHS इस पर क्लिक कीजिएगा तो ठीक आपका ग्लिप्स इस तरह का इंसर्ट कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स सॉरी आपका डॉकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको चूज करना है, यहाँ पे दो आपको बॉक्स दिखाई देगा, रिसेंटली जो जो ग्लिप्स मैंने इंसर्ट कैरेक्टर यूज किया यहाँ शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको वेबडिंग सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो टाइप कर सकते हैं वेबडिंग्स, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इसके डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेबडिंग्स यहाँ पे अलग अलग साइंस वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए विंडिंग्स है इस तरह का साइन है, जैसा आपको साइन चाहिए विंडिंग्स में इस तरह का साइन आ जाएगा। उसके बाद फिर अगेन अगर इसमें क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका वेबडिंग्स भी है, यहाँ देखिए विंडिंग्स रेगुलर है वेबडिंग्स है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आप जो आपको जिस तरह का साइन यहाँ से आपको पसंद है यहाँ से चूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारा साइन दिया हुआ अलग अलग जिसका आपका इस्तेमाल आपको आप बहुत कामों में आपका इस्तेमाल आएगा, ये अलग अलग से यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से एक सुंदर सा हम लोग कैरेक्टर चूज कर लेते हैं, फिलहाल देखिए ये जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं एक पिजन का है, इस पर क्लिक करेंगे इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके रख देते हैं। अब देख सकते हैं पिजन एक दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये यह देखिए उड़ता हुआ पिजन, इसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसको थोड़ा फिल करके देखते हैं कि फिल होता है कि नहीं, देखिए चलिए इसको फिल नहीं होगा, इसको यहाँ पे इसको राइट क्लिक भी कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अगर रख के हम लोग इसके इस पर अगर इम्पैक्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस ये जो शेप है इसको आपको क्या करना होगा, इफेक्ट में जाना होगा, इसको सॉरी बिट मैप में जाना होगा, यहाँ कन्वर्ट टू बिट मैप में क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे कन्वर्ट टू बिट मैप का ऑप्शन आएगा, रेजोल्यूशन 300 रखना है, कलर मोड CMYK रखना है, प्रिंट आउट करना है, तो इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। अब हो गया, अब इसको हम लोग इस बर्ड को यहाँ पे लाके रख देते हैं, ये देखिए बर्ड को मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको इफेक्ट का पता चले, ये देखिए और थोड़ा सा इस साइड में रख देता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देख सकते हैं अब रख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, ये जो पीछे का जो ये शेप बना हुआ है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, तभी यहाँ पे इम्पैक्ट टूल का प्रॉपर्टी बार एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो शेप मैंने बनाया है ये जो लाइन लाइन ये इफेक्ट जो तैयार किया है वो इम्पैक्ट टूल से तैयार किया है, तो शेप के लाइन पे क्लिक कर देंगे हम, लाइन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी बार में शो करने लगा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया आउटर बाउंड्री।
अब देखिए इनर बाउंड्री अगर हम लोग दिखाते हैं तो क्या होता है, देखिए इनर बाउंड्री में अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए इनर बाउंड्री पे क्लिक किया, उसके बाद ठीक ये जो से ये अब जो ये जो शेप है, ये जो बर्ड का ये चित्र है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए जो बाहर का वो हिस्सा था, जो यहाँ पे जितना शेप था वो कट गया, क्योंकि ये बॉक्स बन जाता है जब बिट मैप हम लोग बनाते हैं तो इस तरह का बॉक्स बन जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बन के तैयार हो गया। तो इस तरह आप इफेक्ट वगैरह बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह दे सकते हैं इफेक्ट। ये देखिए अब सिर्फ ये बर्ड का बात नहीं है, आप चाहें तो दूसरा कोई स्टार वगैरह भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं, हार्ट ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसको हम यहाँ से ये वाला पे क्लिक करके ये देखिए अब मैं हम लोग एक दूसरा बना लेते हैं। दूसरा कैसे बनाएंगे, फिर अगेन आप टूल बॉक्स में चले जाइए और ये जो इम्पैक्ट टूल है इस पर क्लिक करते हैं, इम्पैक्ट टूल पे ये सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ रेडियल में चले जाते हैं, रेडियल सेलेक्ट करके बीचों बीच इस तरह हम लोग एक ये शेप बना दिया। ये देखिए शेप यहाँ पे बना दिया, ये वाला डिजाइन बन गया। अब यहाँ से थोड़ा थिकनेस इसका बढ़ा देते हैं, यहाँ से ये देखिए और भी जितना आपको इसको गाढ़ा करना है और डीप करना है इसका थिकनेस बढ़ा दिया। ऐसे क्लिक करते जाइए, ये बन गया, देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन गया। उसके बाद हम यहाँ से इसका यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम विड्थ ऑर्डर आप यहाँ से कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ भी आप एक आजमा के देख सकते हैं, इसको कम करना है तो नीचे ये देखिए ये देखिए ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा अच्छा खूबसूरत खूबसूरत आप इफेक्ट बना सकते हैं। देखिए इस तरह का इफेक्ट बन गया। अब इसको हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, कलर इस तरह फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक शेप लेते हैं यहाँ से, अगेन ये जो हार्ट वाला शेप था इस पर क्लिक करके हार्ट को ला के यहाँ पे रख देते हैं। हार्ट वाला यहाँ पे देख सकते हैं ये बर्ड आ जा रहा है, इसको थोड़ा साइड कर दिया मैंने, ये हार्ट का शेप लिया। अब ठीक यहाँ पे लाके हम लोग रख देते हैं, हार्ट का थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये मैंने छोटा कर दिया, यहाँ पे ला के रख दिया हार्ट का। हार्ट का कलर चेंज कर देते हैं, सिंपल है। अब हार्ट देखिए पीछे चला गया, इसको आगे रखना होगा तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑर्डर है, ऑर्डर में जाने टू फ्रंट ऑफ पेज पे क्लिक कर देंगे, हार्ट ऊपर आ गया, देखिए ये वाले शेप के ठीक ऊपर आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो स्टार ये जो बना हुआ है ये वाला डिजाइन जो इम्पैक्ट टूल से मैंने बनाया है उसको सिलेक्ट करना होगा। वो मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए रेडियल और प्लस ये आ गया, दो ऑप्शन आ गया। यहाँ पे इनर बाउंड्री इस पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा एरो आएगा, आपको हार्ट पे क्लिक कर देना होगा, क्लिक कर दिया। अब देखिए हार्ट के साथ कितना खूबसूरत सा देखिए यहाँ पे देखिए बीच में खाली हो गया, देख सकते हैं ये देखिए खाली हो गया। उसके बाद हार्ट को आप बीचों बीच यहाँ पे बना सकते हैं, कार्ड वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका मैंने बताया आपको कि कैसे करते हैं हम लोग इम्पैक्ट टूल का इस्तेमाल, और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इम्पैक्ट टूल का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं कोरल ड्रॉ 2019 के अंदर। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।